हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में जनसभाओं का दौर भी जारी है और अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने भी बबयाल में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं इस दौरान परविंदर परी को लोगों का भी भरपूर समर्थन और साथ मिला। बबयाल पहुंचने पर लोगों ने ढोल बजाकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परविंदर परी ने बुजुर्गों महिलाओं से भी आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट की अपील की। परविंदर परी ने बबयाल में चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरा कार्यालय अब की बारी परविंदर परी की बारी के नारों से गूंज उठा। इसके साथ ही परविंदर परी ने जनता को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए निर्मल सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब मुझे टिकट मिली तो मैं सबसे पहले उनके घर गया था। मैं 20 मिनट तक वहां बैठा रहा, मुझसे बात करना तो दूर, किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। परविंदर परी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो बुरे समय में पार्टी को छोड़कर गए थे, लेकिन जैसे जैसे पार्टी की स्थिति सही हुई वैसे वैसे ये लोग पार्टी में वापस आए। मेरे बारे में भी बताया, मेरी कार्यशैली के बारे में भी आपको पता ही होगा कि मैं तो यहीं का बच्चा हूँ, यहीं का बेटा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं मैंने कॉलेज किया। तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई, आता कपूर के सामने बॉल मंडी भी कहते हैं, मच्छी मोदा भी कहते हैं, वहीं से मैं पढ़ा लिखा, वहीं पर मैं गुल्ली डंडा खेला, वहीं पर मैं टंचे खेला, वहीं पर मैं कड़ी कड़ी धूप में टहर भी चलाया, फिर वो फोन में ताश भी खेली, सारे काम मैंने करे। तब हमारी ये गेम थी, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो कई बार मेरे बच्चे भी मेरे डांट खाते हैं, गुस्सा भी करता हूँ कि मेरा भाई भाई बाहर निकलो, स्टेडियम में जाओ, जोर लगाओ, कुछ करो, लगाओ भाई, तेरा भी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं तो ये सच बात तो ये है, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझना चाहिए, तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, होनी नहीं चाहिए थी। मैं टिकट लेके घर पे भी गया, घर पे भी बैठा, 20 मिनट इंतजार भी किया, मेरे को मिलने से भी इनकार कर दिया, चलो मिलना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को पानी तक नहीं पूछा गया। अब ये बातें लेके आपने लोगों के बीच में डाला कि और पूछना कि भाई परी का कसूर क्या है, परी कार्यकर्ता नहीं है, परी कांग्रेस पार्टी का सिपाही नहीं है। मेरे ऊपर एक भी लांछन लगा के दिखाने कि जहाँ मैंने कभी पार्टी छोड़ी हो, पार्टी के खिलाफ मैंने काम किया हो या पार्टी की सेवा ना की हो। पहले तो उनकी बात करूंगा, फिर दूसरी बात भी करूंगा। मैंने वो वक्त भी देखा जब ये पार्टी छोड़ के चले गए थे, हम बहुत चंद लोग रह गए थे पार्टी में, चंद लोग। एक नारा भी दिया गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लोगों में डर भी था, भय भी था। और मेरा नितिन भाई भी बैठा है, मेरे साथ खड़ा है, भय तो वहां का भी था और कहीं ना कहीं नितिन भाई भय हमारे मंत्री का भी था, डर भी था, दबाव भी था, मेरे ऊपर दबाव बनाया, मेरे को लालच भी दी गई कि तू बीजेपी ज्वाइन कर ले, तेरे को चेयरमैन का इलेक्शन लगवा देंगे बीजेपी से। लेकिन मैं नितिन भाई मैं डेडिकेटेडली मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। जब पार्टी का आस्था 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 अच्छे समय आने लगा तो लालच आ गई, लालच इतनी आ गई, पहले तो पार्टी ज्वाइन करी, कोई बात नहीं कर लो, अच्छी बात है। जब पार्टी ज्वाइन कर ली फिर एक से भूखने मिटी, फिर दो चाहिए, जब दूसरी नहीं मिली तो जबरन अब कब्जा करने जा रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भूख तो सबको लगती है, तो भूख तो सबको लगती है, इतनी भूख नहीं होनी चाहिए जीवन में कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। कहीं ना कहीं तो ठहराव होना चाहिए जीवन में, ठहराव होना बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सबके ऊपर
आप मेरी आवाज भी उठाओगे, कांग्रेस पार्टी की आवाज भी उठाओगे, आप सच की आवाज उठाओगे और आप घर घर जाओगे। जैसे मेहता जी ने बोला, हम घर घर जाएंगे, विश्वास जताए हमें कि आप ब्याह से मेरे को जिता कर भेजोगे, आप ये जुम्मा आपने उठाना है, ये जुम्मा आपके ऊपर है। हमने एक वोट से, हमने एक वोट से दो चोट मारनी है, एक वोट से दो घमंड चूर करने हैं। पहले एक घमंड था, दो घमंड हो गए। हमने एक वोट से दो घमंड चूर करने हैं। मैं आपको वादा कराता हूँ, जैसे मेरे भाई ने बोला, अब एक बार जिताकर विधानसभा भेज दो, मंत्री बन के मैं आपसे भेजने जो रहा मंत्री ऐसा बन के आऊंगा कि अपने घर बुला के या चुराए गए पर टाने दिलवाऊंगा, जिस घर में गिरोगे उस पर भी टाने दिलवाऊंगा। ये आपसे वादा करता हूँ, घर में मंत्री बन के घर में टाने दिलवाऊंगा, बुजुर्गों की इज्जत करूंगा, बड़ों की इज्जत करूंगा। अपने युवा साथी जो मेरे हैं वो तो मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर चले। कोई भी समस्या आपकी होगी, मेरे पास मेरे दरवाजे घर के आपके हमेशा खुले हुए हैं। कोई भी समस्या होगी आपके बीच में आके समाधान करा के जाऊंगा कि आज आपसे वादा करता हूँ। जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है भोपाल में चंद लोग बैठे हैं जो अपनी जगह समझते हैं कि जब तक हमारा कुंडा नहीं खड़ा होगा काम नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, उनको भी आपका कुंडा फैलाना पड़ेगा, आपका कुंडा फैलाएंगे तो काम होगा, आपका कुंडा फैलाएंगे तो काम होगा। ये आज आपसे वादा करके जाता हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा, उस समय आपने हाथ पकड़ा जब मुझे हाथ पकड़ने की जरूरत थी, मेरा हाथ पकड़ने की मुझे जरूरत थी। तो मैं भाई ये एहसान भी है मेरे, और ये मैं एहसान मंद भी रहूंगा आपका। मैं भूली मानी बातें और ना ऐसी बातें बुलाई जाती हैं। मैं भी 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, कुर्सियाँ भी लगाता हूँ, दरी बिछाता हूँ। मुझे यहाँ बैठने का शौक भी नहीं, मुझे वहाँ बैठने का शौक है। ये दो टिकट मिली तो यहाँ बैठ गया, जितना आगे बैठो वहीं बैठूंगा, वहाँ बैठूंगा भी नहीं, आपके बीच में बैठूंगा हमेशा। जो मेरे को जानता है, मेरे को समझता है, वो ये बात भली भांति जानता है कि परी यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है, भाइयों का भाई है। क्या बात करी आपने, तो आप सब लोगों का काफी समय से आप यहाँ बैठे हो, समय का प्यार भी है। अगले प्रधान में भी जाना चाहते थे, बहुत सही है आपके विषयों को माता होना, कई बातें साझी भी करूँगा, कई दुख सुख भी साझी करेंगे, कुछ कमी हमारे होंगी, कुछ कमी आपके होंगी, वो हम मिलजुल कर देखेंगे कैसे ठीक करेंगे उसको। आप सभी लोगों का यहाँ आने पर अगर एक दो बात अगर कोई वापिस आए तो एक मिनट हो लूँगा। हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है, क्योंकि कुछ चंद बातें मेहता जी हम अभी पैम्फलेट आपके बीच में देंगे या ऑफिस में रखेंगे। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, कुछ घंटों की सरकार रहेगी, मात्र 400 घंटे रहेंगे सब सरकार बनाने के लिए। अब तो दिनों में आगे घंटों की बात आ गई, सरकार बदलते ही हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। अब ये सबसे वादा कर सकते हो सिलेंडर के जो है 500 रुपये। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, कोई पेंशन हो, आप 3,000 रुपये हैं, कुछ घंटों बाद सरदार साहब कुछ घंटों बाद पेंशन डबल होने जा रही है। जब 6,000 रुपये पेंशन, 3,000 की सीधा 6,000 पेंशन देंगे, 3×6 में तो 6×6 12,000 रुपये हो गए। ये बहुत अच्छी बात है जो हमने घर घर पहुँचानी है, जो आज आज के समय में हमें सबको इस चीज़ की जरूरत भी है। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली भी पूरी फ्री देंगे आपको, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री। ये वादा जो कर रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कर रहा हूँ, कोई हिंदी पढ़ने वाले कोई बात नहीं बोल सकते यहाँ के। ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मतलब पंजे की बात कर रहा हूँ, हाथ के निशान की बात कर रहा हूँ।
और एक अहम बात, मैं पिछली बार आया लेकिन जब आपने मेरे को डोर टू डोर कराया, मैंने कहीं जगह देखे कच्चे मकान भी दिखे मेरे को, अभी तक मेरे दिमाग में भी है जो कच्चा मकान मैंने जो दिखा था। मैनोफेस्टो में एक बहुत एक अहम बात भी लिखी है, जिसका कच्चा मकान है उसको हम 3.5 लाख रुपये की राशि भी नहीं लगाएंगे, 3.5 लाख राशि ये तो कुछ बातें हैं, ऐसी कई और अनेक बातें हैं युवाओं के लिए भी हैं, वो बातों में आपसे बाद में साझी करूँ। ये अहम चार बातें हैं जो आपने घर घर पहुँचानी है। रोजगार भी देंगे, रोजगार का देखो रोजगार है, 2 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी की भी वादा है, जो पद खाली पड़े 2 लाख नौकरी भी देंगे, 1 लाख एससी होती है, ये सोचने की बात है, आते ऐसे सोचे नहीं, 2000 रुपये महिला करेंगे, 2000 रुपये हर महिला करेंगे, ये बातें हमें पहुँचानी है। जब तक आप बात नहीं पहुँचाओगे उनको समझ नहीं आएगी, कहीं ना कहीं वो रहेंगे शक के घेरे में, अगर हमें बात पहुँचा पाए उनके तो और बता पाए फिर नहीं मैं खुदों में जहाँ बताओगे आप यही तांडव लगेगा आप सुनोगा, हम अब तक धमकाएंगे नहीं, लेकिन प्यार से काम लेना आता है, हम अपनी दोस्ती से प्यार से अफसर से काम लेंगे, जब अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले भी अच्छा बोलता है, अगर हम धमकाएंगे तो सामने वाले धमक रहे, आज हमें कोशिश कर रहे हैं धमकाने के लिए, हम धमक रहे हैं, हम तो बहुत छोड़े होंगे भाई, धमका के काम नहीं चलता, प्यार से काम चलता है। तो आप सब लोगों का, मेरे बूढ़े बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि आने वाले 5 तारीख को आप हाथ के निशान के सामने आएंगे, आप बटन दबाओगे, अपने भाई को, बेटों को, बेटे को भारी बहुत से विधानसभा पहुँचाओगे, आप सभी बोलेगा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।